Hello guys, welcome to my YouTube channel Brilliant Academy. Today I will show you how to submit a grievance in PMSSS AICTE. Now first of all you should go to a Chrome browser. तो चलिए मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया. यहाँ मैं सर्च करता हूँ PMSSS. तो सर्च के बटन पर दबा दिया तो देखते हैं. तो सबसे पहले वाली लिंक को ओपन कर दीजिए यहाँ पर. यहाँ से आप अपनी ईमेल और कैंडिडेट आईडी बता रहा है, तो अपनी ईमेल आईडी या कैंडिडेट आईडी अपनी जो वहाँ पर मिली होगी रजिस्ट्रेशन के वक्त वही दबानी है. तो मैंने यहाँ पर अपने ये है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ अपना जो मेरा इसमें रखा है. तो इसके बाद पासवर्ड डालने के बाद यहाँ मैं अपना जो यहाँ एंटर कैप्चा बता रहा है कि कैप्चा कोड बिल्कुल यही डालना है इसमें DIME. तो साइन इन के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर. तो देखिए गाइस मेरा जो यहाँ पर डैशबोर्ड है अपना मतलब PMSSS का वो खुल गया है. जैसे कि मेरा दिखा रहा है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा है, फादर इनकम डिटेल्स दिखा रहा है, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखा रहा है, काउंसलिंग डिटेल्स दिखा रहा है, डिटेल्स ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है. तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ग्रीवेंस का. तो ग्रीवेंस के बटन पर दबा दीजिए तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप ग्रीवेंस लिख सकते हो यहाँ पर. मतलब ये जो है ग्रीवेंस यहाँ पर लिख सकते हैं आप. तो फ़िलहाल मैंने कल ही देख लीजिए, तो कल ही मैंने 20 को मैंने एक ग्रीवेंस डाली थी. तो इसका मतलब है मेरा ग्रीवेंस जो है अब स्टेटस दिखा रहा है कि क्लोज्ड हो चुका है. मैं अब आज मैं ग्रीवेंस नहीं दिखा रहा हूँ दिखा सकता. तो इसका मतलब है आपका जो अपनी आईडी है वहाँ से आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं, पर मेरे आईडी में ही दिखा रहा है कि ग्रीवेंस मेरा क्लोज हो चुका है. तो आप अपनी आईडी से चेक कीजिएगा तो आपको विद इन 7 डेज आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा. ओके.